गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. वेलकम इन आर वीडियो. स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3. यस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड रीडिंग ऑफ चैप्टर 3 एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड बुक एक्सरसाइज. नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. First is fill in the blanks. The process of grouping object with similar properties is called process of grouping object. Object ko group karna, grouping karna unki with similar properties, that is known as classification. The process of grouping object with similar properties is called classification. Okay. Next is anything that occupies dash as dash is called matter. So here anything that occupies space and mass is called matter. Matter किसको बोलते हैं? जिसमें जो space occupy करता हो और जिसका कुछ mass होता हो. Number 3, in the dash state of matter, the constituent particles have very little hold on one another. So in the gaseous state of matter, because students gaseous states में particles कैसे होते हैं? थोड़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में gap होते हैं, वो tightly packed नहीं होते. Okay, उनके बीच में gap होता है. तो अगर gap ज़्यादा होगा तो उनकी hold मतलब उनकी पकड़ भी क्या होगी? बहुत कम होगी. Okay, clear to all. Now the next is light does not pass through the blackboard as it is an opaque object. Light, students, light किसे pass होती है? Light transparent material से pass होती है. Transparent जैसे आपकी transparent sheet होती है. Okay, transparent sheet में से light pass होती है. और जिनसे light pass नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? Opaque object. अब क्योंकि ब्लैकबोर्ड है, ब्लैकबोर्ड से लाइट पास नहीं होगी. अगर हम ब्लैकबोर्ड पर टॉर्च से लाइट डालेंगे तो वो हमें ब्लैकबोर्ड के दूसरी साइड पे नज़र नहीं आएगी. ओके, सो ब्लैकबोर्ड क्या हुआ? ब्लैकबोर्ड इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. स्मेल ऑफ परफ्यूम रिचेज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. परफ्यूम की स्मेल जो होती है, फ्रेग्रेंस जो होती है, वो सारे में फैल जाती है. ऐसा कौन से प्रोसेस से होता है? दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न. ओके, now the next is write true false for the following statement. Air is a man-made material. क्या air man-made material है? No, it is false. Second, a thin polythene sheet is transparent. Yes, true. क्योंकि polythene sheet में से light pass हो जाती है, that's why it is transparent. Pebbles float on water. क्या pebbles water पर float करते हैं? No, it is false. Because pebbles क्या हो जाते हैं? Pebbles sink कर जाते हैं. Suppose करो ये water से fill किया हुआ है, अगर आप pebbles को डालोगे तो pebbles यहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं. Okay, means वो sink कर जाते हैं, डूब जाते हैं. The next is diffusion is the mixing of particles of two materials on their own. Diffusion क्या होता है? Particles का mix हो जाना, that is true. Oxygen gas is slightly soluble in water. Oxygen gas water में slightly soluble होती है, means बहुत कम soluble होती है. No, it is false. Because oxygen gas is soluble in water. वो कम soluble नहीं होती, वो completely soluble होती है. Oxygen gas water में soluble होती है, तभी जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीद कर पाते हैं, क्लियर, सांस ले पाते हैं. द नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. द स्टेट ऑफ मैटर डेट है बोथ अ फिक्स्ड शेप एंड जिसकी फिक्स्ड शेप होती है, मतलब उसकी शेप बदलनी है. जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे, जिस यूटेंसिल्स में डालोगे, उसकी वही शेप हो जाती है. बट सॉलिड की नहीं होती. सॉलिड की क्या होती है? फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. योर बुक इज मेड अप ऑफ मैटर. आपकी बुक जो है वो मैटर से बनी हुई है. क्यों? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास. अगर आप बुक को उठाओगे तो आपको कुछ मास फील होता है, और अगर आप बुक को कहीं पर रखोगे देन इट ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, वो स्थान घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटेरियल. ओपेक मटेरियल बताना है, ओपेक मटेरियल जिसमें से लाइट क्रॉस नहीं हो पाती है. प्लेन शीट, उसमें से लाइट क्रॉस हो जाती है. वाटर इन क्लियर ग्लास कंटेनर, उसमें से भी लाइट क्रॉस हो जाती है.
एयर में से भी हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, योर राइट आंसर क्या होगा? योर राइट आंसर इज अ पीस ऑफ वुड, बिकॉज वुड में से लाइट क्रॉस नहीं होती. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड डिफ्यूजन बी फास्टेस्ट. डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? जिसके पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड नहीं होते, जिनमें गैप ज़्यादा होगा उनमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा. सो गैस इन अनदर गैस, गैस के पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड नहीं होते, उनमें गैप ज़्यादा होता है, डेट्स वाई उनमें डिफ्यूजन भी होता है. फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्युबल इन वाटर, में से कौन सा वाटर में इनसोल्युबल है? इनसोल्युबल मीन्स जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता. मस्टर्ड ऑयल, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कॉमन साल्ट. सो कौन सा है इनसोल्युबल? मस्टर्ड ऑयल. ओके, मस्टर्ड ऑयल जो है, अगर आप ऑयल को वाटर में डालते हो तो वो फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, वो कभी भी उसमें मिक्स नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3. आई होप इट्स क्लियर टू यू. यू हैव टू नोट डाउन दिस बुक एक्सरसाइज इन योर साइंस बुक एंड ऑल्सो ट्राई टू लर्न दैम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.